हेलो गाइज, आप सब क्या मोबाइल में सेंसिविटी गलत रखे हो? बहुत लोग आप सबको यूट्यूबर ये बोलते हैं, 2 GB रैम का मोबाइल में आप लोग ये सेंसिविटी रख लो, 3 GB में ये रख लो, 4 GB में ये रख लो, 5 GB में ये रख लो, 6 GB में ये रख लो, 7 GB में ये रख लो, 8 GB में ये रख लो, 12 GB रैम में ये रख लो। तो मेरे भाई, मैं एक आपको इंपॉर्टेंट बात बोलता हूँ भाई। देखो, रैम पर तो मोबाइल पर डिपेंड करता है, लेकिन एक्चुअल में ये सेंसिविटी क्या चीज है, क्या आप ये जानते हो? जनरल का क्या काम होता है, रेड का क्या काम होता है, 2x का क्या काम रहता है, 4x का क्या काम रहता है, स्नैपर स्कोप का क्या काम होता है, फ्री लुक का क्या काम होता है, क्या आप सबको ये सब के बारे में पता है? नहीं पता है तो मेरे भाई, एक आपको ऐसा पूरा YouTube पर ये आपको एक ऐसा पहला वीडियो दिखेगा जो एकदम पूरा डिटेल के साथ हम आपको बताएंगे। प्लीज मेरे भाई, अगर आप सबके पास टाइम हो तब इस वीडियो को पूरा देखो, क्योंकि एक वीडियो बनाने मुझे भाई दिन भर लग जाता है, खास करके टिप्स एंड ट्रिक्स सेंसिटिविटी पर। एंड आप सब इस 10 12 15 मिनट का वीडियो को नहीं देखते हो मेरे भाई, दिल से बुरा लगता है। प्लीज मेरे भाई, इस पर आप सबकी कमेंट थी, इसी वजह से मैंने इस पर वीडियोज बनाया। प्लीज मेरे भाई, इस वीडियो को पूरा देखे। एंड अगर आपको वीडियो अच्छा नहीं लगता है, लास्ट में गाली देकर जा सकते हैं, और ये मैं 100% आपको चैलेंज देता हूं, अगर आप इस वीडियो को देखोगे, 100 बंदे क्लिक किए तो 100 बंदे को समझ में आएगा, मतलब 100% बंदे को समझ में आएगा, समझ रहे हो मेरे भाई? एक बार प्लीज इस यूट्यूबर को वीडियोज देखो एंड आपको बहुत अच्छा लगेगा। चलो गाइस, बिना बकवासी के साथ अब वीडियो करते हैं स्टार्ट। सबसे पहले हम बात करेंगे ये जनरल का काम क्या होता है। पहले आप नॉर्मली समझो, मेरे मोबाइल पर 150 सेट है, ठीक है? अब ये नहीं कि मेरा देखकर आपको अपना सेट कर लेना है, रैम पर भी डिपेंड करता है, लेकिन सबसे पहले मोबाइल का प्रोसेसर पर भी डिपेंड करता है, ये भी आप सबको याद रखना है। नॉर्मली आप सबको एक ट्रेनिंग मोड में आ जाना है, ठीक है? एक से दो बार नहीं, 3 बार में। जैसे मैं ट्रेनिंग मोड में आ गया, नॉर्मली मैं यहाँ पर मूवमेंट कर रहा हूँ, आप ये बात यहाँ पर फोकस करो। एक एग्जाम्पल देता हूँ कि मैं अभी क्या कर लेता हूँ, यहाँ पर इसको अभी मैं 0 कर देता हूँ, ठीक है? अभी मैंने क्या कर दिया, यहां पर जनरल को 0 कर दिया। 0 करने के बाद अभी मैं गेम में आया, तो यहां पर देखो, अगर अभी मैं यहां पर मूवमेंट कर रहा हूं, तो यहां पर कितना स्लो कर रहा हूं। अगर मैं मान लेता हूं वे सामने इनिमी है, तो यहां पर मुझे कितने बार घूमने का प्रयास करना पड़ रहा है तब मैं इनिमी के पास पहुंच पा रहा हूं। मतलब इतना ज्यादा ये जो रेड डॉट होता है ना, ये जो रेड डॉट होता है, इनको मैं घुमा नहीं पा रहा हूं। देखो, एक बार में अगर मैं यहां पर ये रेड डॉट है, अगर मैं इनको एक बार घुमा तो यहां तक ही आता है, तो अगर मैं नॉर्मली घुमाता हूं तो यहां तक ही आता है। मतलब अगर आप यहां पर ऐसे करके, ऐसे से मान लेता हूं यहां पर इनिमी है, आप इस साइड हो, अगर आप चाहोगे तो मैं थोड़ा सा रन करके पीछे तुरंत घूम लूं, क्या संभव है 0 पे? नहीं है ना? यही बंदे गलत करते हैं, आपको बस यूट्यूबर बता देते हैं, बहुत सारे ऐसे यूट्यूबर व्यूज करने के लिए 7-8 मिनट वीडियो में क्या हुआ आपको पूरा डिटेल के साथ समझा देगा, कभी नहीं समझा पाएगा आपको, मैं पूरा एक्सप्लेन के साथ समझा रहा हूं। अभी मैंने 0 किया, किसी कोई बंदा यहाँ पर 0 कर देगा, क्या उसका गेम प्ले अच्छा हो पाएगा? क्योंकि भाई वे मूवमेंट ही नहीं कर पाएगा, तो वे गेम प्ले क्या उसका घंटा अच्छा होगा? तो भाई क्या करोगे, अपने मोबाइल के हिसाब से 0 से पहले आप यहाँ पर 80 करोगे, 90 करोगे, जैसे मैंने मान लेता हूं अभी मैंने 100 कर दिया, ठीक है? 100 करने के बाद फिर से अभी मैं यहाँ पर से ट्राई करता हूँ, जैसे अभी मान लेता हूँ ये एनिमी है, ठीक है? अब मैं यहाँ पर जैसे मान लेता हूँ ये मेरा रेड डॉट है, अब मैं एक बार ये करता हूँ, देखो अब कहाँ पे आ रहा है, पहले यहाँ पे आ रहा था, फिर यहाँ पे आ रहा था, फिर यहां पे आ गया डायरेक्ट दरवाजा के पास। मतलब ये जो होता है ना मूवमेंट, थोड़ा ये इसका इंक्रीज हुआ। अगर आप यहां पर से मूवमेंट करोगे, देखो मेरे भाई अब आप यहां पर घूम पा रहे हो, लेकिन अभी भी जैसे मान लेता हूं मैं इस एनिमी के पास मैं सीधा हूं, अगर मैं एक बागे आना चाहता हूं तो नॉर्मली घूम पा रहा हूं, ठीक है? लेकिन 100 पे जिसका डिस्प्ले, अब आपको 100 पर यहां पर ट्राई करना है ट्रेनिंग में आके, क्या मेरा 100 सेंसिटिविटी पे, आपका 2 GB रैम है, 3 GB रैम है, 4 GB रैम है, तो पहले 100 पर ट्राई करना है, 100 का सेंसिटिविटी में नॉर्मली हेडशॉट मार पा रहा हूं। हेडशॉट मारना मेरे भाई एक अलग कला है, उसके लिए प्रेस्टिक इंपॉर्टेंट है। ये नहीं कि मेरे भाई आपने अगर यहां पर सेंसिटिविटी चॉइस कर लिया, आपने सेट कर लिया, इसका मतलब ये नहीं कि आप हेडशॉट मारने सीख जाओगे, नहीं, मैट के जैसा है, जैसे आप मैट को बार बार प्रेस्टिक करते हो ना, सेम में आप लोग हेडशॉट जब तक भाई आप लोग यहां पर अभ्यास नहीं करोगे तब तक भाई नहीं होगा। तो नॉर्मली मेरा यहां पर 100 पे मेरे को मजा नहीं आ रहा है, मतलब इतना तगड़ा यहां पर मूवमेंट नहीं हो रहा है, मतलब मैं
फास्ट मेरे को ज्यादा अच्छा लगता है सेंसिविटी, इसी वजह से मैं 150 पे मैं ट्राई करता हूँ। मेरे पास 200 में भी नहीं होता है, 200 में देखोगे हार्ट से बाहर निकल जाता है। देखो यहाँ पे एनिमी है, अब मैं यहाँ पर से ऐसे करूंगा, देखो एनिमी यहाँ था लेकिन मैं घूर जाता हूँ आगे। बताओ क्या मैं 200 सेंसिविटी को कंट्रोल कर पा रहा हूँ? यहाँ पे एनिमी है, मैं 200 राख दूंगा, ऐसे एनिमी के पास जाऊंगा, एनिमी यहाँ पे है क्या? एनिमी यहाँ पर है। क्या मैं 200 कंट्रोल कर पा रहा हूँ? नहीं कर पा रहा हूँ ना, तो मैं 200 संभाल ही नहीं पाऊंगा मेरे भाई, इसीलिए मैं उसको मैं 50 कम कर देता हूँ, 150 कर देता हूँ, इसीलिए मैं 150 यहाँ पे कर देता हूँ। एक दो पॉइंट होता है आप यहाँ पर से करना मेरे भाई, नहीं तो यार अगर इसके चक्कर में रहूंगा ना, एक दो पॉइंट के बारे में अभी बस मैं समझाने के लिए बोल रहा हूँ ना, आपको इस प्रकार का सेट कर लेना है कि आप अपने मूवमेंट को कंट्रोल कर पाओगे, उस वही सेंसिटिविटी काम करता है। ये नहीं कि भाई आप 100 पे कंट्रोल कर पा रहे हो, जैसे आपका 2-3 GB रैम का मोबाइल, अगर आप 100 में ही कंट्रोल पा रहे हो तो 100 ही रखना है, जो 150 में कंट्रोल कर पा रहा है उसको 150 रखना है, 180 में कर पा रहा है वही 180 रखना है, अपने मोबाइल के हिसाब से, मतलब अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से आपको जेंडर को रखना है। ठीक है, मेरा 150 रहता है, एंड आप लोग जाना ट्रेनिंग में, कम पहले कर देना, जीरो कर देना, जीरो कर देना, फिर उसके बाद 100 रखना, फिर 110 रखना, 120 रखना, 2-3 गम गेम भी, बड़े बड़े यूट्यूबर का लाइव स्ट्रीम देखा होगा। एक चीज आप फोकस करना, वे जब भी गेम प्ले करेंगे ना तो अपना जनरल को कम बेस करते रहते हैं। क्यों करते रहते हैं? क्योंकि उसको लगता है कि नहीं भाई मेरा यहाँ पर थोड़ा मूवमेंट फास्ट हो रहा है, मेरा मतलब है कुछ अलग, मतलब मैं संभाल नहीं पा रहा हूँ, तो उसे थोड़ा कम कर देते हैं। तो आप बीच बीच में देखे होगे, सेम मेरे भाई, वे कोई फिक्स नहीं रखते, वे अपने हिसाब से रखते हैं, अपने अपना मतलब पीसी के हिसाब से रखते हैं, अपने मोबाइल के हिसाब से रखते हैं, आपका जो रैम है उसके हिसाब से वे प्रेस्टिक करके अभ्यास करके रखते हैं। सेम इसी प्रकार को आपको रखना है। ठीक है मेरे भाई, आई होप कि अब आप लोग यहाँ पर जनरल के बारे में समझ गए, डिटेल के साथ क्या काम होता है इसमें। आप बोलोगे मंडे भाई क्या रखना चाहिए यार, देखो मेरे हिसाब से देखो 100 से आप 100 से 150 के बीच रखो। ठीक है, अगर आपका 8 GB के अंदर मतलब मोबाइल है, 12 GB के अंदर है, ठीक है, एंड आपको एंड अपना मोबाइल के हिसाब से प्रोसेसर के हिसाब से आपको प्रेस्टिक करके रखना है। ठीक है मेरे भाई, मैं आपको कंफर्म नहीं बताऊंगा, बस मैंने आपको जनरल के बारे में समझाया, आप लोग यहाँ पर खुद जाकर ट्राई करके रखना। अब मैं आपको रेड डॉट के बारे में समझाता हूँ। देखो मेरे भाई, ये रेड डॉट को समझने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, रेड डॉट एक्चुअल में क्या है यही सबको समझ में नहीं आता, और आपको बहुत सारे ऐसे यूट्यूबर है जो आपको ये रेड डॉट के बारे में पूरा डिटेल के साथ नहीं समझा सकता। मैं आपको जो समझाऊंगा ना एकदम आसान तरीका से कोई भी बंदा समझ जाएगा। यहां पर देखो आप नॉर्मली, अगर आप सब यहां पर गेम में आते हो, ये रेड डॉट एक्चुअल में मेरे भाई ये वन स्कोप ही समझो मेरे भाई। अब वन स्कोप किसको कहते हैं? जैसे आप कोई भी नॉर्मली गन लेते हो, उसमें क्या होता है कि उसमें अगर आप लोग नॉर्मली स्कोप को यूज नहीं करते हो, पहले से वन लेवल का यहां पर स्कोप को यूज होता है। सेम मेरे भाई इसका यही काम है। अभी मैं नॉर्मली आपको समझाता हूं, जैसे अभी मैं सेटिंग पर यहां पर आता हूं, सेंसिटिविटी पर आता हूं, अभी हम क्या करते हैं, ये रेड डॉट को अभी हम यहां पर ये कर देते हैं, जीरो कर देते हैं। जीरो करने के बाद अभी यहां पर कुछ भी नहीं हो रहा है। अगर मैं इस स्कोप को यहां पर ओपन करता हूं, स्कोप ओपन होने के बाद यहां पर आप देखो, जीरो करने के बाद अभी आप यहां पर स्क्रीन पर देखो, क्या मैं इतना ज्यादा ऊपर कर पा रहा हूं, जैसे मैं फायर कर रहा हूं क्या मेरे से ऊपर हो रहा है, जैसे मैं फायर कर रहा हूं क्या मेरा ऊपर हो रहा है, जैसे मैं यहां पर से ऊपर करता हूं, ये गाच जो है लोकेशन मारा हूं, अगर मैं ऊपर करता हूं क्या ये ऊपर हो पा रहा है फास्ट? नहीं हो पा रहा है ना। क्या मैं इधर में स्पीड से फास्ट कर पा रहा हूं? क्या मैं इसे फास्ट कर पा रहा हूं? सेम मेरे भाई इसका यही काम होता है रेड डॉट का। जब भी आप सब यहां पर स्कोप करके ओपन करते हो या इनिमी को ऐसे मारते हो, तो हेड जब उसका शरीर में चिपकता है और स्लो हो जाता है, आपको पता है अभी नॉर्मली आप ऊपर कर पा रहे हो, जब इनिमी का जब बॉडी में चिपकेगा गन तो वे और स्लो हो जाएगा। सेम मेरे भाई इसका यही काम होता है रेड डॉट का, कि रेड डॉट को हमेशा, अगर मैं यहां पर एग्जांपल देता हूं, अगर अभी मैं यहां पर लगभग 100 राख दिया, ठीक है 100 राख दिया, अगर अभी अगर मैं यहां पर स्कोप को ओपन करता हूं, ये ब्रीच है, ब्रीच के अगर मैं ऊपर करता हूं, देखो कितना ज्यादा हो रहा है स्पीड हो रहा है ना, कितना ज्यादा हो रहा है स्पीड हो रहा है ना, कितना ज्यादा हो रहा है मेरे भाई। सेम इसी प्रकार का काम होता है, सेम इसी प्रकार का, अगर अभी मैं स्कोप को ओपन करता हूं, देखो अब कितना ये स्पीड हो रहा है, यहां पर इनिमी है मान लेता हूं, यहां पर इनिमी है, अगर आपका यहां पर स्कोप फटाक यहां पे हो जाएगा, इसका सेम यही काम होता है कि जो आप लोग का जो रेड डॉट होता है ना, जब भी आप लोग हेडशॉट ऐसे मारते हो, जब भी हेडशॉट मारते हो
वे डिपेंड करता है यहाँ पर रेड डॉट पर एंड यहाँ पर आपके अभ्यास पर। इसे अगर आप कम राख देते हो तो भाई प्रॉब्लम है, अगर ज्यादा भी राख देते हो तब भी प्रॉब्लम है। अगर मैं यहाँ पर 200 राख देता हूँ तो अगर मैं यहाँ पर एनिमी को फायर करूंगा ये रिकॉल कर जाएगा। रिकॉल मतलब कि उसका सर में एंड बॉडी में चिपकेगा नहीं, वह ज्यादातर क्या हो जाएगा, गन आपका जो गोली होता है वह बाहर हो जाएगा, उसी को रिकॉल कहा जाता है। जिसके वजह से मेरे भाई आपको क्या होता है कि उसे कम थोड़ा करना पड़ता है रेड डॉट को। तो मेरा यहाँ पर 140 बैठ जाता है। वही चीज मैं आपको समझाने का प्रयास करो, जैसे मैं एग्जांपल 140 कर रहा हूँ, वे मैं मेंटेनेंस कर लूंगा इस वीडियो के बाद, अभी एक दो करूंगा भाई थोड़ा यहाँ पर वीडियो लंबा हो जाएगा, समझ रहे हो। अभी यहाँ पर देखो, अभी मैं यहाँ पर एक दो आगे किया, अभी मैं यहाँ पर देखो नॉर्मली मेरा अभी जब भी एनिमी आता है तो नॉर्मली अभी मेरा यहाँ पर हो जाता है और ये भी थोड़ा मेरा ठीक रहता है। उसके हिसाब से आपको गेम में जाना है, मतलब ट्रेनिंग मोड में नॉर्मली जाना है या आपको गेम में जाना है एंड गेम में आपको प्रेस्टिक करना है। क्या मेरा ये डॉट खोल के क्या मैं नॉर्मली ऊपर कर पाता हूँ, नॉर्मली इधर उधर में कर पाता हूँ, जितना सेट होगा नॉर्मली समझ लो मेरे भाई, जितना जनरल होता है ना, जनरल मान लेता हूँ आपने एक बार सेट कर लिया 150, उनसे आपको 10 पॉइंट आंक मुन के 10 पॉइंट आपको कम कर देना है, ये 10 पॉइंट बेसी करना है, 10 पॉइंट कम करके ट्राई करना है। आपको लगेगा नहीं नॉर्मली स्कोप खोल के एनिमी के ऊपर अच्छे से चिपक रहा है, नॉर्मली हेडशॉट भी अच्छे से लग रहा है, तो आपको 10 कम कर देना है, नहीं तो 10 बेसी कर देना है, ठीक है, या बराबर कर देना है। जैसे मैंने 150 है तो मैं उससे 10 कम कर दिया। रेड डॉट का एक्चुअल में काम क्या होता है मैंने आपको वे चीज समझाया, ठीक है, ये ज्यादा एक इंपॉर्टेंट चीज है, काम क्या होता है, ठीक है। आप लोग अब ऑटोमेटिक क्या करोगे मेरे भाई, प्रेस्टिक कर लोगे, है ना मेरे भाई, ऑटोमेटिक प्रेस्टिक कर लोगे कि अब मतलब ये गेम में मेरे को क्या रखना चाहिए। बॉट को यही समझ में नहीं आता है रेड डॉट होता क्या है। अब चलो मैं आपको समझाता हूं ये टू स्कोप, फोर स्कोप, स्नेपर स्कोप, ये फ्री लोक क्या होता है। टू स्कोप और मेरे भाई फोर स्कोप आप लोग तुरंत समझ जाओगे। आप बोलोगे मंडे भाई कैसे, रेड डॉट के बारे में अच्छे समझ गए, जनरल के बारे में समझ गए, टू स्कोप देखो क्या काम होता है। अब इसका यही काम होता है मेरे भाई, जैसे रेड डॉट हुआ ना उसे सेम प्रकार का टू स्कोप। जैसे मैं मान लेता हूं अभी मैंने यहां पर बैकपैक पर क्लिक किया, बैकपैक पर क्लिक करने के बाद अभी मेरे पास एक के गन है, इसमें ये टू स्कोप का क्या यूज हो रहा है ना मेरे भाई, ये जो टू स्कोप है इसका मैंने यूज किया ना, सेम उसका यही काम होता है। अगर ये टू स्कोप नहीं हुआ तो ये वन स्कोप हो जाएगा। वन स्कोप क्या किसको कहते हैं, रेड डॉट को कहते हैं, रेड डॉट को सेटिंग किए। टू स्कोप लगने के बाद कुछ इस प्रकार का शो होता है ना, इसका सेम यही काम होता है। अब समझो जैसे मैं मान लेता हूं मेरे भाई सेटिंग पर गया, तुरंत समझ जाओगे टू स्कोप। अभी हम क्या करेंगे, इसको नहीं मेरे भाई, टू स्कोप को मैं छेड़छाड़ करता हूं, इसको अभी मैं 140 कर देता हूं, ठीक है, अभी मैं 140 कर दिया, ठीक है। अभी मैं टू स्कोप को क्या करता हूं, टू स्कोप को भी मैं जीरो कर देता हूं। जीरो करने के बाद देखो मेरे भाई ये क्या, इसको मैं स्पीड से कर पा रहा हूं, यहां पर एनिमी है, ठीक है। अब आपका यहां पर आपने स्कोप को ओपन कर लिया, क्या आप यहां पर फास्ट करो, इतना देर करते में आपको पता चलेगा एनिमी आपको उड़ा के ऊपर पहुंचा दिया। सेम मेरे भाई आप लोग अगर एनिमी को फायर करोगे, जैसे मान लेता हूं आपने एनिमी को रखा, ये ऊपर नहीं जाएगा भाई, देखो मैं कितना गोली कर रहा हूं, ये जीरो के ऊपर जा रहा है भाई, 1% भी इसको मैं कितना ऊपर कर रहा हूं, क्या जीरो के ऊपर जा रहा है, एकदम नहीं जा रहा है। तो मेरे भाई यही काम होता है मेरे भाई, आप समझो इस बात को, ठीक है, जो भाई आपको बहुत सारे ऐसे होते हैं भाई, आप लोग अच्छी इंफॉर्मेशन नहीं ले पाते हो। इसको अगर मैं यहां पर रेड डॉट को मान लेता हूं 140 रखा, इसको मैं 130 रखता हूं, ये 100 पहले 100 ट्राई करता हूं रख के, 100 लगभग रख लिया, ठीक है, 100 अभी 5 रखा हूं, समझो 100, ठीक है, रख लिया। अभी आप फोकस करो, जैसे भी मैं स्कोप को ओपन किया, अब बंदा यहाँ पर है, यहाँ पर आपका स्कोप ओपन हो गया, देखो भाई कितना स्पीड कर लिए भाई यहाँ। अब नहीं भाई कि आप 200 कर लोगे, अब 200 कर लोगे भाई, जैसे एग्जांपल के लिए मैं बताता हूँ, आप जैसे मान लेता हूँ आप इसको सेंसिबिलिटी को 200 कर लेते हो दो स्कोप को, अब आप कंट्रोल ही नहीं कर पा रहे हो, यहाँ पर इनिमी स्कोप ओपन करते हो, इनिमी के पास पहुँच ही नहीं पा रहा है, इस तरह हाल थोड़ी करना है मेरे भाई। इसको कम करके ट्राई करना है, अगर आपके मोबाइल में ऐसा होता है ना, उसको थोड़ा कम करना है, फिर से स्कोप को ओपन करना है, फिर देखना है कि मैं इनिमी के पास तुरंत, जैसे ये देखो कितना बढ़िया सेटिंग है, डायरेक्ट मैं स्कोप कहीं ओपन कर रहा हूं, डायरेक्ट इनिमी के पास आ रहा है। अब देखो मैं जब इसको मारूंगा ना, अभी ऊपर भी रिकॉल होगा, देखो ये ऊपर भी जाता है, क्या होता है कि अब जैसे मैंने तो यहां फायर किया, ये ऊपर भी जाएगा, इतना नहीं जाएगा लेकिन थोड़ा जाएगा, क्योंकि भाई ज्यादा ड्रैग करोगे ना ऊपर नहीं जाएगा, समझ रहे हो, देखो थोड़ा मोड़ा ऊपर जाता है ना, हेडशॉट भी लगता है। इस प्रकार का आपको सेट करके रखना है कि आपका इनिमी के पास तुरंत जा पाए, जैसे मैं यहां पर रखा तुरंत इनिमी के पास पहुंच, सेम इसी प्रकार का, ज्यादा राख दोगे हाई तो रेड टू, जैसे टू रेड डॉट सेट हुआ, उसे टू स्कोप लगा के इसको सेट कर लेना है। अब फोर स्कोप वाला समझाता हूं, फोर
स्कोप वाला भी भाई सिंपल है। फोर स्कोप वाला क्या है, आपको पहले यहाँ पर से फोर स्कोप लगाना है। जैसे मैं यहाँ पर फोर स्कोप लगाया, टू स्कोप फोर स्कोप सेम है। जैसे आप यहाँ पर ट्राई कर लेना है, जैसे मैं अभी क्या होता है कि भी मैं बैक पैक से क्या कर लेता हूँ, फोर मतलब लगा देता हूँ यहाँ पर टू स्कोप को, ठीक है। फोर स्कोप को यहाँ पर लगाया, फोर स्कोप का लगाने के इस पर क्लिक किया, अभी यहाँ पर इनिमी के पास ला रहा हूँ। टू स्कोप जैसे काम किए ऐसे भाई फोर स्कोप को यहाँ पर काम कर लेना है। सेम मेरे भाई, टू स्कोप और फोर स्कोप सेम है, इसमें का है टाइम बर्बाद करे, सेम आपको सेट कर लेना है। स्नेपर भी भाई एकदम सेम है। अब बोलोगे स्नेपर कैसे सेम है, जैसे मैं मान लेता हूँ अभी मैं स्नेपर वाला गोली ले लेता हूँ, ठीक है। अब बोलोगे मंडे भाई स्नेपर, मैंने क्या बताया, ये तीनों आसान है भाई, ऊपरे वाला जो समझने में हार्ड है, ठीक है। जैसे अभी मैं क्या करता हूँ, कोई स्नेपर गन ले लेता हूँ, जैसे अभी मैं कोई AWM गन ले लिया, AWM गन ले लिया, इसका सेम स्कोप में काम होता है। इसी स्कोप खोले यहाँ पर, अगर अभी हम क्या करेंगे स्नेपर को, अभी हम यहाँ पर क्या करेंगे जीरो कर देंगे, तो अभी क्या मेरा ये जल्दी जा रहा है, कितना देर लग रहा है AWM यहाँ पर पहुँचाने में, वही चीज़ क्या होता है यहाँ पर फास्ट हो जाता है। अगर मैं यहाँ पर 100 कर देता हूँ, आपको देखो मैं हमेशा किस तरह टैक्टिक्स रखा हूँ, 150 रखता हूँ, इसको 140 रखता हूँ, 130 रखता हूँ, 120 रखता हूँ, 100 रखता हूँ, इस प्रकार का आप भी कर सकते हो। अगर आपका 50 में ही अगर आप कंट्रोल कर लेते हो स्नेपर का, तो आपको 50 रखना है। मैं यहाँ पर 100 में कर लेता हूँ नॉर्मली, कभी मैं 80 भी कर देता हूँ ऑटोमेटिक सेटिंग से। इस प्रकार का आपको सेट करना है। तीनों स्कोप पर खेल है, आपने रेड डॉट समझ गए तो नॉर्मली टू स्कोप भी कर लोगे, ये भी थोड़ा ट्राई कर दिया, फोर स्कोप भी कर लोगे स्नेपर। अब ये फ्री लुक क्या है, चलो अब ये मैं आपको नॉर्मली डिटेल के साथ समझाता हूं। फ्री लुक का नॉर्मली क्या काम होता है, अब चलो मैं ये आपको समझाता हूं। देखो फ्री लुक को आपको समझने के लिए पहले आपको क्या करना पड़ेगा, कंट्रोल सेटिंग पर आना पड़ेगा। कंट्रोल सेटिंग पर आने के बाद आपको यहां पर एक फ्री लुक जैसा आपको ऑप्शन देखने को मिलेगा। अब बोलोगे मंडे भाई कहां पर देखने को मिलेगा, कंट्रोल सेटिंग में आपको यहां पर फ्री लुक जैसा ऑप्शन देखने को मिलेगा, इसे आपको पहले यहां पर ऑन करना पड़ेगा। जब आप इसे फ्री लुक को यहां पर ऑन करते हो, जैसे मैं यहां पर ऑन कर देता हूं, वे फ्री लुक यहां पर ऑन करने से क्या होता है, आप जब पैरासूट को यूज करते हो या अगर आप लोग गाड़ी को यूज करते हो, तो आपको यहां पर कुछ इस प्रकार का भी यहां पर नहीं दिख रहा है। आप लोग एक चीज और समझाता हूं तब समझ में आएगा। अभी मैं कस्टम एचयूडी पर आता हूं, आने के बाद कस्टम एचयूडी पर आपको एक आंख जैसा ऑप्शन देखने को मिलेगा, ये आप कहीं भी सेट कर सकते हो, मैं यहां पर सेट किया हूं, इसी को यहां पर फ्री लुक कहा जाता है। तो अब मैं क्या करता हूं, ऊपर से यहां पर कट करता हूं, ठीक है। अभी मैं यहां पर से कट करने के बाद अभी मैं आता हूं, जैसे अभी मैं ये अभी यहां पर आंख शो नहीं हो रहा है, जब भी आप यहां पर रन करोगे, जैसे मैं यहां पर दौड़ता हूं, तो आपको यहां पर फ्री लुक शो होता है ना, तो इसका यही काम होता है। इसका काम क्या होता है कि आप दौड़ने वक्त इस फ्री लुक को यहां पर यूज करके आप पीछे आगे देख सकते हो। अगर आप गाड़ी भी चलाते हो गेम में तब भी आपको ये शो होगा, तो आप इसके पीछे इस प्रकार का आप लोग करके यहां पर देख सकते हो, जैसे मैं यहां पर देख पा रहे हो। अब इसी का सेंसिबिलिटी का मूवमेंट दिया गया है, मैं अब नॉर्मली समझाता हूं मूवमेंट कैसे। जैसे मैं यहां पर सेंसिबिलिटी पर क्लिक करता हूं, अभी मैं क्या कर देता हूं यहां पर फ्री लुक को जीरो कर देता हूं। जीरो करने के बाद अभी मैं दौड़ रहा हूं, अगर मैं इसको यहां पर करता हूं, ये क्या हो रहा है, स्पीड नहीं हो रहा है, एकदम स्लो हो रहा है। तो मेरे भाई इसी को इस तरह मूवमेंट स्पीड करने के लिए यहां पर फ्री लुक का सेंसिबिलिटी दिया गया है, जिसके द्वारा जिस हिसाब से आप लोग मैनेज कर पाओगे, जैसे जनरल काम होता है ना, सेम उसी प्रकार का फ्री लुक काम होता है। लेकिन ये फ्री लुक क्या होगा, दौड़ने के बाद भी आप लोग नॉर्मली इसको आपको सेट कर लेना है, 50-60 बहुत हो जाता है भाई, जिस हिसाब से आपका सेट होगा 70-80 पे उसको सेट कर लेना है। जब आप दौड़ोगे तो ये आंख को आप क्या कर पाओगे, आगे पीछे अच्छे से कर पाओगे, मतलब अपने कंट्रोल के हिसाब से लगेगा कि मैं मेरा ज्यादा मोबाइल में ऐसे ऐसे फास्ट हो रहा है, मैं नहीं देख पा रहा हूं, तो क्या करना है आपको 10 पॉइंट आपको सेंसिटिविटी पर आके कम कर देना है, फिर से आपको जाना है, फिर से आपको आंख करना है। इस प्रकार का आपको सेट कर लेना है अपने मोबाइल के हिसाब से। एंड आप लोग इसे जब आप लोग इसके बारे में डिटेल के साथ समझा दिया ना, गेम में भी अगर आपको लगेगा कि मैं फ्री लुक यूज कर रहा हूं मेरे को फास्ट हो रहा है, फटाक सेटिंग पर क्लिक करके इसको कम कर दोगे। स्नेपर लगेगा कि नहीं मेरा कंट्रोल नहीं हो पा रहा है, फटाक इसको कम कर दोगे, लगेगा नहीं भाई और थोड़ा फास्ट होना चाहिए, फास्ट कर दोगे, स्कोप को भी फास्ट कर दोगे। इस तरह आप लोग खुद भाई मैनेज कर सकते हो। जब भाई इसके बारे में आपको जानकारी ही नहीं रहेगा, अदर यूट्यूबर बोलेगा 2GB रैम है, इतना रख लो इतना रख लो, तो भाई आपको घंटा कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट क्या होता है, जब तक आप इसके बारे में समझोगे नहीं, अपने से नहीं समझोगे, भाई एक अच्छे प्लेयर नहीं बन पाओगे। यही चीज पॉइंट वाला बात है, कॉपी करके भाई कोई प्लेयर नहीं बन सकता। जैसे मान लेता हूं आप मेरा कॉपी कर रहे हो, तो मेरे अंडर ही रहोगे, यानी कि आप मेरे से आगे बढ़ जाओगे। जब आप इसके बारे में जानकारी लेते हो, जब आप खुद ट्राई करोगे ना, आप मेरे से अच्छा सेंसिटिविटी बना सकते हो अपने से, अपने डिवाइस के हिसाब से, और मेरे से अच्छा गेम प्ले कर सकते हो। हमेशा हेडशॉट, इससे तो भाई बहुत मतलब होता है।
होता है हेडशॉट को, ये नहीं कि भाई आप लोग सेटिंग कर लिए हेडशॉट मारने सीख जाओगे, ऐसा नहीं होता है। आपको गेम में अभ्यास करना पड़ेगा, एनिमी को मार के आपको गेम में अभ्यास करना पड़ेगा हेडशॉट, तभी लगेगा। ये सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट है। देखो भाई मेरा काम होता है भाई अच्छा इंफॉर्मेशन देखना, इतना लंबा वीडियो बनाना भाई ऐसी बात नहीं है भाई, मैं अपने के लिए कोई फायदा के लिए नहीं बताऊँ, आप ही सबके लिए समझाने के लिए बताता हूँ। क्या मैंने गेम में बकवासी किया, क्या मैंने आप सबके लिए कोई चीज मीम्स मैंने लगाया कि लंबा हो जाए वीडियो, हमेशा कितना अच्छा ही इंफॉर्मेशन देने का प्रयास किया मेरे भाई। एक छोटा सा यहाँ पर मैं समय लेना चाहता हूँ क्योंकि भाई ये मेरा अपना एप्लीकेशन है, 100% रियल है, जो मेरे ओल्ड ऑडियंस है पता है एसजी गेम्स के बारे में। प्लीज मेरे भाई अगर आप लोग कभी भी वीकली मंथली खोलोगे ना, इस एप्लीकेशन को जरूर विजिट करना, हम लोग के तरफ से डिस्काउंट होता है और 100% रियल एप्लीकेशन है। प्ले स्टोर में मिलेगा, 1,00,000 से ऊपर डाउनलोड है, साथ में आपको यूट्यूब पर बहुत सारे यूट्यूबर ने इस पर वीडियोज बनाए हैं। एक बात ट्रस्ट करो मेरे भाई, पता है ये 100% रियल एप्लीकेशन है, मेरे ओल्ड ऑडियंस है पता है, मैं शुरू से इस एप्लीकेशन के बारे में जरूर आप सबको शेयर करता हूँ मेरे भाई। आप ज्यादा वीडियो को लंबा नहीं करेंगे, अगर वीडियो अच्छा लगा लाइक करें, बहुत मेहनत लगा है मेरे भाई ये सेंसिटिविटी पर, आप सबको समझाने में आसान लगा है रियल चीज, लेकिन इतना आसान नहीं है मेरे भाई। सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को ऑल करें और वीडियोज मेरे चैनल पर देखें और आपको अच्छा लगेंगे। साथ में आप लोग व्हाट्सएप यूज करते तो व्हाट्सएप पर फॉलो करें, एंड साथ में आप लोग इंस्टाग्राम यूज करते तो इंस्टाग्राम पर फॉलो करें। वीडियो को यहाँ पर ही समाप्त करते, मिलते हैं श्री का मजेदार वीडियोज में। टाइट टाइट बाय बाय।